गाइस, दिस इज अवर होटल एंड आई शो यू अवर रूम. रूम बगैर रूम देखने के बाद आपको पता ही चलेगा. सो गाइस, मैं अभी आपको रूम टूर दे रही हूँ क्योंकि बाद में फिर मेसी हो जाता है रूम. तो ये है हमारा वार्डरोब, एंट्रेंस के बाजू में ही है. अभी तक मैंने कुछ अरेंज नहीं किया इसमें, बाद में कर दूंगी. और ये है बाथरूम, वॉशरूम, और ये बेसिन है नॉल. ये है मेरा फेवरेट एरिया, कॉफी मशीन, और ये सब स्नैक्स है. ये कॉफी के पाउच, ये नीचे फ्रिज है, इसमें सब कोल्ड ड्रिंक्स और लीकर्स है. ये मैंने शूज अभी अरेंज नहीं किए हैं, वो अंदर रखूंगी बाद में. एक्चुअली 2-3 दिन के लिए आते हैं तो सब अरेंज करने को वगैरह बोर होता है. और ये हमारा बेड, ये है टीवी, ये हमारे बैग्स ऐसे ही पड़े हैं, अभी तक मैंने कुछ अरेंज नहीं किया है. ये सागर का काम करने के लिए कोई स्पेस है. ये है सोफा कम बेड. आपको ये रूम देख के शायद ऐसे लगा होगा कि ये रूम कहीं देखा है. आपको ये रूम देख के शायद लगा होगा कि आपने ये रूम कहीं पे देखा है. तो हाँ, आपने करेक्ट गेस किया. ये रूम आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, क्योंकि उसमें टप्पू सेना यहाँ पे आती है. सो गाइज, ये था मेरा रूम टूर. और मैं हम लोग अभी आए हैं. अरे मैं यहाँ पे आके फंस जाती हूँ यार. हम लोग अभी आए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और बाद में आपसे फिर मिलते हैं. बाय बाय. सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं ब्रिटोज, और ये है मेरा फेवरेट ब्रिटोज. तो ये है मेरा फेवरेट सेराडुरा, जो कि एक गोवन स्वीट डिश है, और ये मुझे बहुत पसंद है. आप भी ये ट्राई ज़रूर करना. गाइज, गुड मॉर्निंग. सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और 9:30 हो चुकी है ऑलरेडी. सो वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट. और मैं तो अभी उठी हूँ. अगस्त्य और सागर अभी तक आई थिंक फ्रेश हो रहे हैं.
वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट और उसके बाद कहाँ पे जाना है वो डिस्कस करते हैं और आपको भी साथ में लेके चलते हैं। सो लेट्स गो। माय टुडेज लुक, आई एम गोइंग आउट फॉर द लंच एंड दिस इज माय टुडेज लुक। हे गाइस, सो अभी हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं मॉल्डे गोवा और उसके बाद जाएंगे शायद से कोंकणी कैंटीन जाएंगे। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हेवी था तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है कहाँ पे जाएंगे। सो शायद जाएंगे मॉल्डे गोवा और उसके मॉल्डे गोवा तो जाएंगे ही लेकिन उसके बाद जाएंगे कोंकणी कैंटीन और लेट्स सी आगे कहाँ कहाँ पे। गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग ने यहाँ पे गोवा में आके कार हायर किया है जो हमेशा हम करते हैं क्योंकि जब भी फ्लाइट से आते हैं तो यहाँ पे घूमने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कार हायर करते तो। सो दिस टाइम वी हायर्ड I-20 ना स्विफ्ट, सॉरी स्विफ्ट हायर किया है और लास्ट टाइम हमने वेगनार हायर किया था और ये बहुत इजी पड़ता है। सो और जो दो तीन ट्रैवल एजेंट हैं तो उनसे हम लोग कार हायर करते हैं और अब जब भी बाय कार बाय रोड आते हैं तो हमारा कार लेके आते हैं और जब भी बाय फ्लाइट आते हैं तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी हायर करते हैं। सो आप भी सोचना यहाँ पे स्कूटी से घूमने से अच्छा कार से घूमिए क्योंकि बहुत टैन भी होते हैं और वो सेफ भी नहीं है स्कूटी से घूमना। ओके सो गाइस, नाउ वी आर एट मॉल्डे गोवा और ये मेरे बेटे का सबसे फेवरेट मॉल है गोवा का। जा रहे हैं फैट फिश और दोपहर में हम लोग गए थे कहाँ पे गए थे, हम मॉल्डे गोवा गए थे और उसके बाद मॉल्डे गोवा में बहुत लेट हुआ तो उसके बाद वहाँ हम लोग कहाँ पे भी नहीं गए। बाद में ये ऑगी को और सागर को स्विमिंग करना था तो हम लोग होटल पे चले गए और अभी हम लोग जा रहे हैं फैट फिश में। सो लेट्स गो। सो गाइज, वी आर नाउ एट फैट फिश और फैट फिश के एकदम राइट साइड पे ही नया एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वो फैट फिश का ही है और उसका इंटीरियर भी एग्जैक्टली सेम है। सो वहाँ पे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइज, ये फैट फिश का नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है फैट फिश रेस्टोरेंट के साइड में ही।